दोस्तों, अगर कमर में लंबर एरिया में नर्व कॉम्प्रेशन हो जाए, डिस्क डीजेनरेट कर जाए, स्लिप डिस्क हो जाए, तो उससे दर्द कमर से लेग तक आना शुरू हो जाता है, जिसे हम शियाटिका पेन का नाम देते हैं। जनरली दोस्तों, यह नर्व कॉम्प्रेशन लंबर एरिया में L4, L5 और S1 इस एरिया के बीच में हो जाता है। ऐसे में जब सिवियर शियाटिका पेन हो जाता है, तो इंसान को बाथरूम तक जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में घर बैठे आप क्या ट्रीटमेंट करें जिससे उस सिवियर पेन में, उस सिवियर शियाटिका की प्रॉब्लम में भी आप लाभ प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, मैं जगमोहन सचदेवा आज की इस वीडियो में आपको एक्यूप्रेशर के कुछ ऐसे बिंदुओं के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपने इन बिंदुओं पर उपचार दे दिया, तो आप सिवियर शियाटिका पेन के पेशेंट को भी रिलीफ दे पाएंगे, आराम दे पाएंगे, उसे भी आप ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं शुरू करूंगा उन पॉइंट्स की लोकेशन से। कैसे फिर उन पर ट्रीटमेंट देना है, कैसे उन पे मैग्नेट लगाने हैं, ये पूरी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले ये एक्यूप्रेशर की जिम्मी होती है। कौन से पॉइंट स्टिमुलेट कर रहे हैं, अब मैं आपको उनकी लोकेशन दिखाने जा रहा हूं। देखिए, ये आपकी जो मिडिल फिंगर है, इसमें आप देखना शुरू करें। सबसे पहले यहां पे आप देख रहे हैं एक पॉइंट, इसे प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। इसके बाद देखिए, इससे थोड़ा ऊपर यहां एक पॉइंट है, उसके बाद इसे प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। इसके बाद देखेंगे, इस जोड़ पर एक पॉइंट है, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। उसके बाद देखेंगे हल्का सा ऊपर और एक पॉइंट है। तो दोस्तों, ये जो चार पॉइंट आपके, ये इस लाइन में आ रहे हैं। इसके बाद दो पॉइंट कहाँ आएंगे, आप देखें, ये एकदम मिड लाइन, अगर हम इसकी एकदम मिड लाइन लें, तो इस ज्वाइंट से हल्का सा ऊपर, ये रहा एक पॉइंट। तो इसको भी प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। और दूसरा पॉइंट इसी की सीध में यहां आ गया, एकदम मिडिल लाइन में। तो चार पॉइंट आपको लेने हैं इस लाइन में और दो पॉइंट लेने हैं सेंटर लाइन में। इसके बाद आ जाते हैं हथेली की बैक साइड में। देखिए, ये जहां हमारा नकल ऐसे बंद होता है, तो ये हड्डी के जस्ट ऊपर एक पॉइंट और हल्के से गैप पे ही दूसरा। उसके बाद यहां देखेंगे, थोड़ा सा ज्यादा गैप है और यहां पे तीसरा पॉइंट आ गया। तीन पॉइंट आपने यहां, चार पॉइंट इस लाइन पे और दो पॉइंट सेंटर लाइन पे लेने हैं। तो ये पॉइंट्स हैं जिनसे आप शियाटिका के पेशेंट को, और बहुत से केसेस में पहले दिन से आराम दे पाएंगे। ये मैंने पॉइंट बताए हैं आपको लेफ्ट हाथ में। अगर शियाटिका का पेन सिर्फ लेफ्ट साइड है, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड में लगाएंगे, और अगर राइट साइड में है, तो सिर्फ राइट साइड लगाएंगे, और अगर बायलेटरल है, दोनों साइड है, तो दोनों हाथों पे इसे लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें आपको जो लगाने हैं मैग्नेट, वो येलो मैग्नेट विजिबल लगाने हैं। अब आप देखिए कि कहाँ और कैसे ये पॉइंट लगाने होते हैं। तो ये डॉक्टर टेप है, डॉक्टर टेप पर सारे मैग्नेट लेने होते हैं, एक टेप पर एक मैग्नेट। इसके बाद देखें, ये कॉर्नर पे एक येलो मैग्नेट आ गया, उसके ऊपर एक येलो मैग्नेट आ गया, जो ये ज्वाइंट पर पॉइंट था उस पर येलो मैग्नेट आ गया, और ये कॉर्नर में येलो मैग्नेट आ गया। तो ये वाली लाइन के चारों येलो मैग्नेट हमने पहले लगा दिए। अब इसके बाद मिडिल लाइन पे लगने वाले येलो मैग्नेट्स मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये मिडिल लाइन पर आ गया और ये भी मिडिल लाइन पर आ गया। ये दो मैग्नेट जो है, एक और एक ये दोनों मिडिल लाइन पर आ गए। इसके बाद तीन मैग्नेट जो है आपकी हाथ की हथेली की बैक साइड में आते हैं। ये ऐसा ट्रीटमेंट है जो शियाटिका के पेशेंट को पहले दिन से रिलीफ दे सकता है, और अगर लगातार ये ट्रीटमेंट किया गया, तो आप शियाटिका के पेन को पूरी
पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और ये तीन मैग्नेट देखिए, येलो मैग्नेट विजिबल यहाँ, ये पीछे आ गए। तो ये आपको सारे के सारे पॉइंट की लोकेशन मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियरली दिख रही होगी। तो इस वीडियो को आप बीच में पॉज करके एक एक पॉइंट को अच्छे से मार्क करके रख सकते हैं और ये येलो मैग्नेट विजिबल लगा सकते हैं। इसको आप 12 घंटे से लेके 18 घंटे तक लगाए रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ पेन। मैं फिर बताऊंगा, अगर लेफ्ट साइड है शियाटिका पेन लेफ्ट लेग में तो सिर्फ लेफ्ट हैंड पे लगाइएगा, सिर्फ राइट लेग में है तो राइट हैंड में लगाइएगा, और अगर दोनों साइड है तो दोनों हाथों में इन पॉइंट्स को लगाइएगा 12 घंटे से लेके 18 घंटे तक। मैग्नेट मैं बार बार बताता हूं, ये रीयूजेबल है। इस ट्रीटमेंट को करके शियाटिका पेन में कितना आराम आया वो फीडबैक आप डेफिनेटली हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी शेयर करिएगा, और साथ ही साथ में व्हाट्सएप पे जैसे आप लोगों की रिप्लाई आती रहती हैं वो भी जरूर भेजिएगा। दोस्तों साथ में मैं पुनः कहना चाहूंगा, आप में से जितने लोग फ्री एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कर लें ताकि उनका नाम रजिस्टर्ड हो जाए इस फ्री ट्रेनिंग के लिए। इस फ्री ट्रेनिंग में आपको 2-3 घंटे की ट्रेनिंग मिलेगी, उसकी ई बुक मिलेगी और ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। साथ ही साथ में दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर करिएगा ताकि जिनको भी शियाटिका का पेन है, जिनको भी स्लिप डिस्क है, जिनके भी नर्व कॉम्प्रेशन हो रहा है उनको भी लाभ पहुंच सके। साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में अगली वीडियो मैं किस विषय पर बनाऊं उसके बारे में जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए टॉपिक पर भी हमारी नेक्स्ट वीडियो डिपेंड करती है। तो दोस्तों हमेशा स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, इसी कामना के साथ मैं जगमोहन सचदेवा आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।